सो गाइस, बहुत दिनों बाद आप लोगों में पिक्सआर्ट ऐप को यूज़ करके कुछ इस टाइप का डुअल फोटो एडिटिंग सिखाने जा रहा हूँ। तो आप लोग अगर सीखना है तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक वॉच करना है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चलिए अभी ज़्यादा बात के बिना आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप लोग पिक्सआर्ट ऐप के अंदर ए वाला बैकग्राउंड को ओपन कर लें और ए वाला बैकग्राउंड का लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा एंड पीएनजी बैकग्राउंड जो कुछ भी इस वीडियो के अंदर यूज़ करूंगा सारा का सारा लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा लिंक, तो आप लोग जाकर उसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन आप लोग बाद में जाकर डाउनलोड कीजिएगा, पहले आप लोग एडिटिंग को सीख लीजिए, आप लोग देख लीजिए कि आप लोग कैसे करना है एडिटिंग को। तो यहाँ पर बैकग्राउंड ओपन करने के बाद अभी आप लोग इधर से चला जाना ऐड फोटो का ऑप्शन में, जो कि आप लोग इधर पे देख सकते हो, ये रहा ऐड फोटो का ऑप्शन। तो यहाँ पर अभी आप लोग क्लिक करके अपने फोटोज को ऐसे सिलेक्ट करके ऐड कर लें। तो ये रहा हमारे दोनों फोटो, तो हम ऐसे अभी सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद उस ऐसे भी लोग सिंपली ऐड फोटो का ऐड का ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करके ऐड करना है अपने फोटोज को। और फोटोज को ऐड करने के बाद दोस्तों अभी आप लोग अपना हाफ फोटो को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसे आप लोग कुछ इस टाइप से ऊपर की तरफ रख देना है और फिलहाल इसे इस फोटो को आप लोगों को मतलब फुल फोटो को आप लोग नीचे के साइड भी रख देना है, ठीक है। और इसी फोटो को आप लोग सिलेक्ट करके आप लोग कुछ स्टेप से जूम करना है और जूम करके आप लोग जिधर पे चाहिए उधर पे आप लोग पोजीशन में एडजस्टमेंट यहाँ पर करना है, ठीक है। तो जैसे कि हम इसे यहाँ पर रख लेते हैं तो आप लोग भी कुछ इस तरह से रख लीजिएगा। और इतना हो जाने के बाद अभी आप लोग यहाँ से इरेज टूल पर ऐसे क्लिक करने, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इरेज टूल, तो इसी पर अभी आप लोग क्लिक करने और यहाँ पर क्लिक करके दोस्तों ऐसे भी लोग इरेज पर क्लिक करने, ठीक है। और इरेज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग एड पेस्ट इसका लोगों को रिमूव करने, आप लोग यहाँ पर देख तो मैं जो यहाँ पर अभी इस फोटो को फोटो रूम में से कट आउट किया हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले अभी इस फोटो रूम का लोगों को इरेज कर लेता हूँ, तो आप लोग भी इरेज कर लीजिएगा। और दोस्तों फोटो का कट आउट आप लोग कैसे करना है उस वीडियो का लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, तो आप लोग जगह से वीडियो को देख के बहुत ही आसानी से आप लोग अपने फोटोज का बैकग्राउंड को रिमूव कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पर इतना हो जाने के बाद अभी लोग फिर से इरेज पर क्लिक करने, देने पर इसका हार्डनेस को अभी आप लोग कम करने, तो हार्डनेस की यहाँ पर आप लोग को 19 के आसपास रखने और यहाँ पर इसका ऑपोजिट का लोड कम करने, ठीक है। तो इसे आप लोग कम करके 31 के आसपास रखने और साइज को आप लोग कुछ इस तरह से बढ़ा लीजिएगा आप लोग अपना हिस्सा बढ़ भर। तो हम यहाँ पर अभी 63 तक रख लेते हैं और यहाँ से अभी लोग नीचे से कुछ इस टाइप से इरेज करने, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे ऐसे इरेज कर रहे हैं सेम टू सेम आप लोग भी कर लें और यहाँ पर आप लोग हैंड को भी थोड़ा इरेज कर लीजिएगा, तो हाँ यहाँ पर सही है, ठीक है। तो इतना आप लोग कर लें, देन दोस्तों ऐसे बोले डन करने और डन करने के बाद दोस्तों आप लोग फिर से अपना हिस्सा बढ़ एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर भी इसे यही रख लेते, तो आप लोग भी अपना हिस्सा बढ़ रख लीजिएगा। देन अभी आप लोग दूसरा फोटो को सिलेक्ट करने और सिलेक्ट करके दोस्तों अभी आप लोग कुछ इस टाइप से इसे भी इस टाइप से जूम करके आप लोग जिधर पर चाहिए अपना फोटो को उधर पर आप लोग रख लीजिएगा, जैसे कि हम इसे यहाँ पर रख लेते हैं और यहाँ से हम फोटो रूम का लोगो को अभी इरेज कर लेते हैं फिर से। तो यहाँ पर हम इरेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कुछ इस टाइप से इरेज कर लेंगे, देन यहाँ से हम डन कर लेंगे। और डन करने के बाद दोस्तों यहाँ से भी लोग फिर से डन करने यहाँ से, और इतना हो जाने के बाद दोस्तों अभी आप लोग फिर से ऐड फोटो का ऑप्शन पर क्लिक करने और अभी आप लोग ऐड फोटो का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से अभी लोग पीएनजी को सिलेक्ट करने, तो आप लोग यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। यहाँ से अभी आप लोगों को ये वाला पीएनजी के जरिए सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके दोस्तों यहाँ से लोग ऐड करने और ऐड करने के बाद दोस्तों ये वाला पीएनजी का ब्लेंड मोड का आप लोग इधर से चेंज करके कर लेना मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ब्लेंड मोड का ऑप्शन, तो यहाँ पर अभी आप लोग क्लिक करके सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों ये वाला पीएनजी का आप लोग कुछ इस टाइप से जूम करके नीचे के साइड में यहाँ पर रख देना, तो जैसे कि हम इसे यहाँ पर रख लेते हैं और इसका ऑपोजिट को आप लोग इधर से हल्का सा यहाँ पर डाउन कर लें, तो ऑपोजिट को डाउन करके इधर पर आप लोग को 83 के आसपास रखना है, ठीक है। देन दोस्तों ऐसे लोग डन कर लें और डन करने के बाद दोस्तों अभी लोग फिर से एक बार ऐड प्रोडक्शन पर क्लिक करके ऐसे एक पीएनजी को इधर से सिलेक्ट करने, ठीक है। तो ऐसे इस एटीट्यूड वाला पीएनजी को आप लोग सिलेक्ट करने, सिलेक्ट करके दोस्तों इसे भी आप लोग ऐड करने और इसका भी ब्लेंड मोड का आप लोग इधर से चेंज करने, तो इसका ब्लेंड मोड का आप लोग चेंज करके स्क्रीन कर लें और स्क्रीन करने के बाद दोस्तों आप इसका कॉन्टेस्ट को भी आप लोग बढ़ा लें, तो यहाँ पर लोग एडजस्ट पर ऐसे क्लिक करने, क्लिक करके दोस्तों आप लोग कॉन्टेस्ट पर चला जाना और आप इसका कॉन्टेस्ट को फुल कर लें। देन दोस्तों ऐसे लोग डन कर लें और डन करने के बाद दोस्तों ये वाला पीएनजी को आप लोग नीचे के साइड में इस टाइप से लगा देने, जैसे कि हम इसे यहाँ पर रख लेते हैं। देन दोस्तों ऐसे बोलो डन करने फिर से और डन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर पिक्सआर्ट में जो हमारा काम था पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। देन यहाँ पर हम फोटो के ऊपर अभी कलर ग्रेडिंग करेंगे, तो फोटो के ऊपर कलर ग्रेडिंग करने के लिए आप लोग अपने फोटो को एट फर्स्ट यहाँ से सेव करने, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सेव का ऑप्शन, तो यहाँ पर अभी आप लोग क्लिक करके अपना फोटो को आप लोग गैलरी में सेव करने। देन फिर से आप लोग अपना फोटो को गैलरी से लाइट रूम ऐप के अंदर ओपन कर लें, तो हम ऐसे अभी लाइट रूम को सीधा ओपन कर लेते हैं।
सो गाइस जैसे कि अपन अभी आप लोग देख सकते हो, मैं अभी फोटो को लाइट में आपके अंदर ओपन कर चुका हूँ। एंड ओपन होने के बाद आप लोग एक चीज इधर पे देख सकते हो, मैं यहाँ पर अभी हेयर को थोड़ा थोड़ा बना लिया हूँ एंड फेस को यहाँ पर स्मूथ कर लिया हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग फेस को स्मूथ और हेयर को बनाना नहीं आता तो उसके ऊपर मैं पहले से वीडियो बना के रखा हूँ जिसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो आप लोग जगह वैसे वीडियो को देख के बहुत ही आसानी से आप लोग अपना फेस को स्मूथ और हेयर को बना पाओगे, ठीक है। तो आप लोग जगह वैसे वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं तो फिर यहाँ पर मैं अभी आप लोग बताना चाहता तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता इसीलिए आप लोगों में नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से देख लीजिएगा। तो यहां पर फोटो को लाइट में आपके अंदर ओपन करने के बाद इधर से अभी आप लोग चले जाना लाइट्स का ऑप्शन में। तो आप लोग इधर पे देख सकते हैं लाइट्स का ऑप्शन, तो इसे तो यहां पर अभी आप लोग क्लिक करना है और यहां पर क्लिक करके दोस्तों यहां पे इसका शैडो को आप लोग हल्का से बड़ा इंक्रीज करना है। तो शैडो को इंक्रीज करके यहां पर आप लोग 29 के आसपास रख लीजिएगा और यहां पे इसका ब्लैक्स को आप लोग माइनस करना है। तो ब्लैक्स को माइनस करके आप लोगों को -57 का स्पेस रहना है, ठीक है। देन दोस्तों यहाँ से अभी आप लोग चले जाना कलर्स का ऑप्शन में। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कलर्स का ऑप्शन, तो यहाँ पर अभी आप लोग क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर इसका टेम्परेचर आप लोग हल्का से यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा। तो टेम्परेचर को माइनस करके आप लोग इधर पे -3 के आसपास रख लीजिएगा, ठीक है। और इतना हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ से अभी चले जाना मिक्स टूल में। तो ये रहा मिक्स टूल का ऑप्शन, तो इसी टूल पर आप लोग क्लिक करना है और इसी टूल पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर इसका रेड कलर का लुमिनस जो है यहाँ पर इसका थोड़ा सा लुमिनस को आप लोग इंक्रीज करना है। तो लुमिनस को इंक्रीज करके आप लोग इधर पे 72 के आसपास रख लीजिएगा और इसका सैचुरेशन को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा, ठीक है। तो सैचुरेशन को इंक्रीज करके आप लोगों को 59 के आसपास रखना है और इसका ह्यू को भी आप लोग थोड़ा सा माइनस करना है। तो ह्यू को माइनस करके इधर पर आप लोगों को -3 के आसपास रखना है, ठीक है। देन इतना हो जाने के बाद दोस्तों अभी लोग अपना स्किन टोन सही करने के लिए इधर से अभी आप लोग चले जाना ऑरेंज कलर में और ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ पर इसका सैचुरेशन को आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर डिक्रीज कर लीजिएगा। तो सैचुरेशन को डिक्रीज करके इधर पे आप लोगों को -29 का स्पेस रखना है और इसका लुमिनस को भी आप लोग थोड़ा सा प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। तो लुमिनस को इंक्रीज करने पर आप लोग फेस के ऊपर जो है ब्राइटनेस आ जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो लुमिनस को मैं जैसे इंक्रीज कर रहा हूँ फेस के ऊपर ब्राइटनेस आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग जितना ब्राइटनेस चाहते हो फेस के ऊपर उतना ब्राइटनेस यहाँ पर रख सकते हो, जैसे कि हम इधर पे 32 के आसपास रख लेते हैं, ठीक है। और इतना हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ से अभी लोग चले जाने येलो कलर में और येलो कलर में आने के बाद यहाँ पर लोग ह्यू को बिल्कुल ही डिक्रीज कर लीजिएगा और आप इसका सैचुरेशन को भी थोड़ा सा डिक्रीज यहाँ पर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग सैचुरेशन को डिक्रीज करके -36 के आसपास रख लीजिएगा। और इतना हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ से अभी लोग चले जाने ब्लू कलर में और ब्लू कलर में जाने के बाद यहाँ पर इसका सैचुरेशन को आप लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। तो यहाँ पर इसका सैचुरेशन को आप लोग इंक्रीज करके 34 के आसपास रखना है और आप इसका लुमिनस को प्लस कर लें। तो लुमिनस को प्लस करके इधर पर आप लोग को +45 के आसपास रखना है। देन दोस्तों यहाँ से लोग और कुछ नहीं करना है, इधर से आप लोग सिंपली डैन करना है। और डैन करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप लोग चले जाने इफेक्ट्स टूल में। तो आप लोग इधर पे देख सकते हैं इफेक्ट्स टूल का ऑप्शन, तो इसी टूल पर आप लोग क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर इसका टेक्चर को आप लोग बढ़ाना है। तो टेक्चर को बढ़ा के इधर पर आप लोगों को 56 का स्पेस रखना है और यहाँ पर इसका क्लैरिटी को भी आप लोग थोड़ा सा इंक्रीज करना है। तो क्लैरिटी को इंक्रीज करके इधर पर आप लोगों को +6 का स्पेस रखना है, ठीक है। और यहाँ पर इसका डीएच को भी आप लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा। तो डीएच को इंक्रीज करके इधर पर आप लोगों को 2 का स्पेस रखना है और आप इसका विग्नेट को भी आप लोग थोड़ा सा माइनस यहाँ पर कर लीजिएगा। तो विग्नेट को माइनस करके आप लोगों को -4 का स्पेस रखना है। देन दोस्तों यहाँ से अभी चले जाने डिटेल्स में। तो ये रहा डिटेल्स, तो यहाँ पर अभी आप लोग क्लिक करना है और डिटेल्स पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर इसका शार्पनिंग का आप लोग थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा ताकि आप लोग फोटो के ऊपर शाइन आ सके। तो यहाँ पर आप लोग शार्पनिंग को बढ़ा के 66 के आसपास रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका मास्किंग को भी बढ़ा लीजिएगा, तो मास्किंग को बढ़ा के आप लोग 50 के आसपास रख लीजिएगा। और यहाँ पर नॉइस रिडक्शन को भी आप लोग बढ़ा लीजिएगा ताकि फोटो जो है यहाँ पर फटे नहीं। तो नॉइस रिडक्शन को बढ़ा के आप लोग 45 के आसपास रख लीजिएगा और यहाँ पर इसका कलर नॉइस रिडक्शन को भी आप लोग बढ़ा लीजिएगा। तो कलर नॉइस रिडक्शन को बढ़ा के आप लोग 38 के आसपास रखना है। देन दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो फोटो एडिटिंग इधर पे कंप्लीट हो चुका है, मतलब कलर ग्रेडिंग यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग यहाँ पर बिफोर आफ्टर भी एक बार देख सकते हो, यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो, पूरा का पूरा एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है। सो इस टाइप से आपको भी अपना फोटो को एडिटिंग करना है। और एडिटिंग हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ से आप लोग अपना फोटो को सेव करने के लिए सिंपली शेयर का ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से अभी आप लोग सेव टू डिवाइस पर यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे आप लोग फोटो जो है वो आप लोग गैलरी में सेव हो जाएगा।